दोस्तों अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को लेकर गर्मा गर्मी और भी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि भारतीय टीम मैनेजमेंट ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम का स्क्वाड भी घोषित कर दिया है, जिसमें शार्दुल ठाकुर जैसे तेज तर्रार गेंदबाज को इस 15 सदस्यीय टीम में शामिल नहीं किया गया, जिसके बाद शार्दुल ठाकुर का बड़ा ही भावुक बयान सामने आया जिसको सुनकर आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। शार्दुल ठाकुर ने अपने बयान में क्या कहा ये तो हम आपको बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि शार्दुल ठाकुर को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में खिलाया जाना चाहिए था या फिर नहीं, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला भारतीय टीम को 18 जून से न्यूजीलैंड के खिलाफ इंग्लैंड के साउथहैम्पटन मैदान पर खेलना है, जिसके लिए बीसीसीआई ने 20 सदस्यीय भारतीय टीम घोषित करी थी और 4 खिलाड़ियों को स्टैंड बाय खिलाड़ी के तौर पर टीम में शामिल किया गया था। कुल मिलाकर 24 भारतीय खिलाड़ी इंग्लैंड के लिए रवाना हुए थे और इंग्लैंड पहुंचने के बाद भारतीय टीम के सभी खिलाड़ियों ने अपना क्वारंटाइन पीरियड खत्म किया और उसके बाद खिलाड़ियों ने जमकर प्रैक्टिस की। भारतीय टीम के खिलाड़ियों को 2 टीमों में बांटकर इंट्रा स्क्वाड मैच भी खेला गया, जिसमें खिलाड़ियों के प्रदर्शन को देखते हुए आज भारतीय टीम की तरफ से 15 सदस्यीय भारतीय टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले के लिए घोषित कर दी गई। भारतीय टीम के स्क्वाड में उमेश यादव और मोहम्मद सिराज जैसे खिलाड़ियों को चुना गया, लेकिन हैरत की बात यह रही कि भारतीय लिमिटेड ओवर टीम के बेहतरीन गेंदबाजों में गिने जाने वाले शार्दुल ठाकुर को इस 15 सदस्यीय स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में जगह न मिलने के बाद शार्दुल ठाकुर का एक बड़ा ही भावुक बयान सामने आया। शार्दुल ठाकुर ने अपने बयान में कहा कि कहीं ना कहीं मेरे साथ ये बहुत ही गलत हुआ, क्योंकि मुझे लगता है कि उमेश यादव जैसे गेंदबाज से मैं टेस्ट क्रिकेट में बेहतर गेंदबाजी कर सकता हूं। लेकिन बावजूद इसके टीम मैनेजमेंट ने उमेश यादव के ऊपर उम्मीदें जताई हैं। टीम मैनेजमेंट के इस फैसले ने मुझे कहीं ना कहीं छोड़ा, क्योंकि अगर मेरा सिलेक्शन इंग्लैंड दौरे के लिए नहीं होता तो यकीनन मैं श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टीम का हिस्सा होता और सिलेक्शन मेरा हो जाता वनडे और T20 दोनों सीरीज के लिए। लेकिन अब मैं ये दोनों मौके पूरी तरह से गवा चुका हूं, क्योंकि ना ही मेरा सिलेक्शन WTC के फाइनल मुकाबले के लिए हुआ और ना ही मैं श्रीलंका के खिलाफ होने वाली लिमिटेड ओवर की सीरीज खेल पाऊंगा, मैं दोनों से ही हाथ धो बैठा। इसके साथ ही शार्दुल ठाकुर ने कहा कि मैं पूरी तरह से इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए प्रैक्टिस कर रहा था और WTC फाइनल में अपना बेस्ट देने के लिए तैयार था, लेकिन ये मेरा सपना अब टूट चुका है। दोस्तों आपको बता दें कि शार्दुल ठाकुर ने पिछले कुछ समय में भारतीय टीम के लिए लिमिटेड ओवर्स में काफी अच्छी गेंदबाजी करी है, फिर चाहे वो अभी हालिया में इंग्लैंड और भारत की T20 और वनडे सीरीज हो या फिर IPL। शार्दुल ठाकुर के इसी प्रदर्शन को देखते हुए इंग्लैंड दौरे पर उनका सिलेक्शन किया गया था। लेकिन दोस्तों आप सभी को क्या लगता है कि कहीं ना कहीं शार्दुल ठाकुर का सिलेक्शन WTC फाइनल में ना करके टीम मैनेजमेंट से गलती हुई है या फिर नहीं, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।